वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा सेम टॉपिक है वॉल्यूम। इसका हम आज पार्ट टू लेके आपके सामने आए हैं। हमने इससे पहले जो देखा था वो क्या था, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब था, जिसकी हमने क्या किया था, वॉल्यूम उसका हमने फाइंड किया था। अब उसके बाद हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड क्या जब लगभग सेम होता है, बस दिक्कत ये होती है क्यूब क्या होता है उसमें एक ही रो होती है, और क्यूबॉइड में क्या होता है क्यूब की दो रो हो जाती है। ठीक है, मतलब दो लाइन हो जाती हैं क्यूब की, तो उसको हम क्या बोलते लगते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं। देर आर टू रो ऑफ नाइन क्यूब्स, मतलब इसमें नौ क्यूब है टोटल, इसकी क्या है दो रो है। ठीक है, अब हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। तो देखो क्यूब में क्या था, हमें तीनों साइड का क्या करना था, स्क्वायर करना होता है, मतलब तीनों साइड को क्या करना होता है, एडिशन करना होता है, मतलब कि एस का क्यूब। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं तो इसमें क्या है, इसमें आपकी एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी और एक हाइट होगी। तो ये जो देखो आपकी जो है वो क्या है, लेंथ है। ठीक है, अब उसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पे इसकी क्या है, ब्रेथ है, और यहाँ पे ये क्या कहलाती है, इसकी हाइट कहलाएगी। ठीक है, तो अब इसमें ये तीन चीज आ गई। ठीक है, तो जब हम इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला यदि हम यहाँ ड्रॉ करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में क्या करना है हमें, एल इंटू बी इंटू एच। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हमें करना होगा, तब जाक हम क्या कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक इसकी लेंथ को, एक ब्रेथ को और एक हाइट को क्या करना होगा, हमें इसे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, सपोज करो कि आपकी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर होती, ब्रेथ जो है वो 2 सेंटीमीटर होती, और आपकी हाइट जो है वो क्या होती, 3 सेंटीमीटर होती। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता। अब देखो लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो लेंथ की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे लेंथ में 5 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ, ब्रेथ क्या है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ में हम लिखेंगे ब्रेथ की वैल्यू यानी कि 2 सेंटीमीटर इंटू हाइट, हाइट क्या है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया है आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी लेंथ की वैल्यू, ये आपकी ब्रेथ की वैल्यू, ये आपकी हाइट की वैल्यू, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट। आगे क्या था, लेंथ था, तो आगे यहाँ क्या है, लेंथ की वैल्यू है, बीच में क्या था, ब्रेथ था, तो ब्रेथ की वैल्यू बीच में है, और हाइट आखिरी में था, तो हाइट की वैल्यू लास्ट में। क्लियर, अब हमें क्या करना है, इन तीनों का करना होता है क्या, ए साइन काय का है, मल्टीप्लाई का है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो मतलब इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आपस में। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू 10 एंड 10 थ्री हो जाएगा हमारे पास क्या, 30। ये तो आ गया, अब एक दो और तीन, तीन सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर का क्यूब, मतलब सेंटीमीटर की पावर 3। अब देखो बात यदि वॉल्यूम की होगी तो यूनिट आएगी क्यूब की। ठीक है, यूनिट में 3 आएगा। यदि बात एरिया की करें, इसकी जस्ट अपोजिट यदि एरिया की बात करें, तो क्या आएगा हमेशा, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। मतलब यहाँ पर जो भी यूनिट दी होगी आपको, यहाँ पर क्या यूनिट थी हमारे पास, सेंटीमीटर थी, तो वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर क्यूब कर लिया। यदि एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या फिर मीटर का स्क्वायर होगा, क्योंकि एरिया यदि हमने रेक्टेंगल का देखा था तो वो हमारे पास आया था लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि एल इंटू बी से हमने क्या किया था, उसको फाइंड आउट किया था ना। सेम उसी तरीके से हमारा जो वॉल्यूम है वो भी होता है, बस सिर्फ इसमें एक चीज और ज्यादा आ जाती है, वो क्या होता है आपका, हाइट। तो हाइट हमारी 3 सेंटीमीटर, लेंथ हमारी 5, और ब्रेथ हमारी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ को हिंदी में बोला जाता है चौड़ाई, एल को बोला जाता है लंबाई, और एच को बोला जाता है क्या, ऊंचाई। ठीक है, तो इतना सा क्लियर आपका एक कॉन्सेप्ट था जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब में हमने देखा। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, बाकी कुछ नहीं, आप कुछ एक्सरसाइज लिखे हुए आपकी एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेंथ 12 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है, और हाइट क्या है 6 सेंटीमीटर है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हूज डायमेंशंस आर। हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, लेंथ 12 सेंटीमीटर दी गई है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, लेंथ दी गई है 12 सेंटीमीटर, उसी के जस्ट अपोजिट उसकी ब्रेथ दी गई है कितनी, 10 सेंटीमीटर, और उसके जस्ट बाद क्या दी गई, उसकी हाइट, हाइट यानी कि एच जो दिया गया है आपको 6 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो देखो हमने ये फॉर्मूला लिखा है और इसमें बोला क्या गया है, क्यूबॉइड।
क्यूबॉइड यानी कि ये और ये उसका डायग्राम होता है, ठीक है। तो क्यूबॉइड बोला गया है, तो फॉर्मूला पता है ना हमें, एल इंटू बी इंटू एच। आपको इस फॉर्मूले क्या करना है, याद करना है कि जब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपसे पूछा जाएगा तो आपको एल इंटू बी इंटू एच का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक। तो यहाँ पे लेंथ कितनी दी गई है, 12, अपन ने क्या माना था, 12 मतलब 5 माना था ना, तो इसे सपोज कर लो कि भाई लेंथ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, ब्रेथ इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक, और हाइट इक्वल टू कितना है हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इन वैल्यूज को क्या कर लो, यहाँ से गायब करो, यहाँ से इसको पोर्शन को डिलीट कर लो। अब हमें क्या करना है, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको इसको जमाना है। तो अब देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लेंथ 12 दी गई है तो लेंथ की वैल्यू रख लो 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ ये है ब्रेथ, ब्रेथ कहाँ है 10 सेंटीमीटर तो ब्रेथ रख लो 10 सेंटीमीटर, और हाइट, हाइट कहाँ है ये वाला भाग, ठीक है, इतना पार्ट जो है क्या है हाइट है, तो हाइट क्या है आपका 6 सेंटीमीटर। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो 12 इंटू 10 क्या होगा 120 होगा, और 120 इंटू 6 यानी कि 120 जब मल्टीप्लाई करेगा 6 में तो क्या आएगा। तो देखो इस कंडीशन क्या होता है, मल्टीप्लाई हमेशा पीछे से आगे को, और यानी कि ऐसा करते हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये हमें याद रखना है कि मल्टीप्लाई हमेशा पीछे से आगे को जाएगा, और यदि बात डिवाइड की होती तो हम आगे से पीछे को आते, ठीक है। अब पीछे से आगे को चलना है हमें, तो 6 इंटू 0 कितना होगा 0 होगा। अब 6 इंटू 2 यानी कि 6 के टेबल में जब हम 6 के टेबल पढ़ते हैं तो दो बार में क्या आता है 12 आता है, तो 12 का 2 आएगा, आगे वाली जो वैल्यू उसको क्या लेंगे पावर ले लेंगे इसकी, किसकी 1 की, तो 6 वन जा 6 और 1 7, ठीक। तो हमारे पास जो टोटल आंसर आएगा निकल के वो जाएगा 720 सेंटीमीटर। अब इसकी यूनिट क्या लगानी है हमें, हमसे पूछा गया है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में हमेशा क्या आता है क्यूब आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके बता दिया, अब आपको क्या करना है, सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आपको सॉल्व खुद करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।